क्या हाल है बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ दो ऐसे अमेजिंग मोड्स जो हर एक माइनक्राफ्ट कंटेंट क्रिएटर के पास होने चाहिए, और ये दो मोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन 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 उससे पहले जाके कर दो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब। ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो जाके कर दो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे फर्स्ट मोड का नाम है डायनामिक लाइट। यस गाइस, ये जो है जावा में आती है, लेकिन अब जो ये पॉकेट एडिशन के अंदर भी आ चुकी है। तो आप इस लाइट को जो है अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने जो इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया है और मैं इसको लेकर कहीं भी घूम सकता हूँ। तो चलो मैं पहले यहाँ पर ना रात कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ पर मिडनाइट हो चुकी है और यहाँ देख सकते हैं कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पर ये लाइट आ रही है। और ये लाइट भी मतलब आप केव में ले जा सकते हैं, और इसके साथ लैंटर्न भी है। बहुत ही बढ़िया मोड है, ट्राई जरूर करना एक बार। गाइज, हमारा सेकंड मोड है F5 बटन। यहाँ पर अनेबल सेटिंग को ऑन कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो दो बटन एक्स्ट्रा आ चुके हैं। ये पहले बटन से आप जो है अपने कैमरा को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, मैं अपने कैमरा को एक ही क्लिक में चेंज कर पा रहा हूँ। और ये दूसरा बटन है, इसको दबाते हैं, यहाँ पर आपको जो FOV का मिल जाएगा, यहाँ से बड़ा कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से लगा लेता हूँ, और ये मेरी, और इसमें है ना गेम मोड के भी बटन से, तो यहाँ पर आप कोई भी गेम मोड स्विच कर सकते हैं आपके हिसाब से। ये मोड भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है माइनक्राफ्ट कंटेंट क्रिएटर के लिए। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जाके लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।